यह है फिलिप्स का वन ब्लेड ट्रिमर, प्राइस 1500 के अराउंड है। हालांकि ये ट्रिमर सिर्फ नहीं है, ये सेवर भी है, यानी कि बियर्ड को ट्रिम करने के साथ साथ सेव भी कर सकते हैं। देखते हैं इस वीडियो में इस ट्रिमर के फीचर कैसा है, इसका क्वालिटी। फिलिप्स एक हाईलाइट पॉइंट यूज करती है इस ट्रिमर के बारे में, वो है नो निक्स एंड कट्स। देखते हैं ये ट्रिमर कितना सेफ है, क्या सच में निक्स एंड कट्स नहीं लगते। पहले देखते हैं इस ट्रिमर का अनबॉक्सिंग कि डब्बे के अंदर क्या माल मसाला मिलता है। यह है फिलिप्स वन ब्लेड ट्रिमर का बॉक्स, करते हैं इसको ओपन। सबसे पहले रखा मिल जाता है हमें यहाँ पे ट्रिमर, फिर है ये ब्लेड, साथ में ये है दो ट्रिमिंग कॉम्ब, फिर है ये टाइप ए टू पावर कॉर्ड चार्जिंग केबल, लास्ट में ये है यूजर मैनुअल। इसमें डिटेल में समझाया गया है कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलो जी, सबसे पहले जान लेते हैं इस ट्रिमर के कुछ फीचर, इसके बाद खुद पर अप्लाई करके, खुद पर यूज करके ट्राई करके देखेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है। वैसे तो ये ट्रिमर काफी लाइट वेट है, काफी हैंडी है, पकड़ने में काफी कंफर्टेबल फील होता है। वेट टेस्ट करें इस ट्रिमर का, तो ये है वेट मशीन, ये रहा ट्रिमर, करते हैं इसका वेट। वेट है 54 ग्राम के अराउंड। यहाँ पे ट्रिमर में ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, जहाँ पे ऑब्वियसली ऑन ऑफ ही होगा ट्रिमर। बैक साइड में पावर कॉर्ड मिलता है, जहाँ से इसके चार्जिंग केबल से इसको चार्ज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है इसको चार्ज करने में, ये कि इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है, यानी कि फुल चार्ज करने में आपको 8 घंटा लगेगा और सिर्फ बैटरी बैकअप 30 मिनट का ही देता है। लेकिन इस ट्रिमर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, यानी कि IP67 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। इसमें दो ट्रिमिंग कॉम्ब मिलते हैं, एक है 3 mm का, दूसरा है 1 mm का। विदाउट ट्रिमिंग कॉम यूज करते हैं इस फिलिप्स के वन ब्लेड ट्रिमर को, मतलब ब्लेड से डायरेक्ट यूज करते हैं बियर्ड सेव करने में, तो 0 mm के बराबर वर्क करेगा इसका ब्लेड। इसमें ड्यूअल साइडेड ब्लेड मिलता है, यानी कि दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं बियर्ड को ट्रिम और सेव करने के लिए। हालांकि कंपनी बोलती है कि इसके ब्लेड को अगर आप हफ्ते में 2 बार ट्रिम और सेव करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको आप मैक्सिमम 4 मंथ तक यूज कर सकते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है फॉर बेटर सेविंग एक्सपीरियंस। मेरा मानना है कि जब तक खराब ना हो तब तक यूज करते रहो। एक बात और, ये सिंगल ब्लेड अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अराउंड 600 के आसपास मिलता है। चलो, काफी बातें हो गई इस ट्रिमर के फीचर के बारे में, अब लाइव टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। काफी डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ मामला ना हो जाए। ये है ओनली ट्रिमर, ये है उसका ब्लेड जिसको कि हम यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करके लगा लेंगे, और ये है ट्रिमिंग कॉम जिसको कि जस्ट यहाँ पे इस तरह से पुश करेंगे तो ये लग जाएगा, और इस तरह से आप बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं। फिलहाल मैं बियर्ड को ट्रिम नहीं करूँगा, बियर्ड को सेव करूंगा, क्योंकि बियर्ड मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो ट्रिम करने की अभी जरूरत नहीं है। हालांकि ट्रिमिंग तो हो ही जाएगी, देखते हैं सेव करके कि किस हद तक ये सेव कर पाता है, क्या एक्चुअली में मतलब क्लीन सेव हो पाता है, या छोटे छोटे जो बारीक हेयर है वो बच जाता है, या पूरा तरह से क्लीन सेव हो पाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का छोटा छोटा हेयर है, और गर्दन पे भी यहाँ छोटे छोटे हेयर है। देखते हैं इसको सेव करके। ये रहा ट्रिमर, इसको करते हैं चालू, ये हो गया है ऑन। बियर्ड को तो हमने अपना ट्रिम कर लिया, यानी कि ट्रिमिंग हो गई कंप्लीट। देख सकते हैं फेस पे कोई भी निक्स एंड कट्स नहीं है, और यहाँ पे गर्दन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी आपको निक्स एंड कट्स उम्मीद है कि नहीं दिख रहा होगा, और सेविंग भी ठीक ठाक हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा हेयर था, बट पिछला वाला वीडियो कंपेयर करते हैं तो जिसमें हेयर था, और ये वीडियो, ये दोनों वीडियो देखिए, इन दोनों में आपको कितना डिफरेंट लग रहा है, मतलब हेयर पूरी तरह से कम्प्लीटली सेव हो चुका है। मतलब ट्रिमिंग तो हालांकि हो ही जाएगी ये ट्रिमिंग कॉम लगा के, सेविंग हमने आपको दिखा दिया, ट्रिमिंग भी उसी तरह है, इसको जस्ट लगाना है और बियर्ड को ट्रिम कर लेना है। एक चीज और है कि अगर आप अपने स्किन पे इस तरह का कोई रेजर और इस तरह का कोई 1-2 रुपए वाला ब्लेड यूज करते हैं, तो आपका स्किन कभी कभार कट भी सकता है, छिल भी सकता है, और इस तरह के रेजर और ब्लेड से सेव करने के लिए आपको अपने स्किन पे जेल और फॉर्म भी लगाना पड़ता है। लेकिन इस ट्रिमर में जेल और फॉर्म की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव कर सकते हैं अपने बियर्ड को विदाउट जेल और फॉर्म यूज किए हुए। एक सेफ्टी प्रिकॉशन मैं ये बताना चाहूंगा कि इस ट्रिमर को अगर आप विदाउट कॉम यूज करते हैं, मतलब इस तरह से डायरेक्ट इसके ब्लेड को स्किन पे यूज करते हैं, तो ज्यादा प्रेशर अपने स्किन पे मत दीजिएगा, मतलब इस तरह से ज्यादा अगर आप प्रेशर देते हैं तो आपका स्किन शायद इसके ब्लेड के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से आपका स्किन हल्का फुल्का कट भी सकता है। हालांकि एक बार मेरा कट चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे सेफ तो ये काफी है, बट आपको सेफली यूज करना होगा। एक एडवाइस मैं और देना चाहूंगा कि अगर आपके फेस पे एक्ने और पिंपल होता है, तो इस तरह का कोई ट्रिमर ही यूज करें, ना कि इस तरह का कोई रेजर या फिर इस तरह का 1 रुपए वाला ब्लेड। इस तरह का कोई ब्लेड और इस तरह का कोई रेजर ना यूज करें अपने फेस पर अगर पिंपल और एक्ने होता है।
तो ये ट्रिमर ही बेस्ट होगा आपके स्किन के लिए, काफी सेफ होगा। एक वर्ड बोलूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाए कि अगर आपका खरीदने का औकात नहीं है ये ट्रिमर, तो भाई 1 रुपए वाला ब्लेड और ये रेजर ही यूज कर लो। एक राज की बात बताऊं, मेरा भी औकात नहीं है ये ट्रिमर खरीदने के लिए, ये ट्रिमर मुझे स्पॉन्सर में मिला है। वैसे भाई औकात वाली बात से ना बुरा मत मान जाना। इसका हमने एक काफी तगड़ा यूट्यूब शॉर्ट बनाया है, काफी जबरदस्त है, जाके देखो बहुत मजा आएगा। और औकात है खरीदने की ये ट्रिमर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से खरीद लो, बेहतर होगा, शायद आपको कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट भी मिल सकता है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और बेस्ट ट्रिमर का लिंक दे दे रहा हूँ, जिसको कि चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, ना करके भी कुछ होना नहीं है, तो इससे बेहतर है कि कर ही लीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को। मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग इसी तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।